केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में सामाजिक रेडियो स्टेशन भव्यवाणी का भी उद्घाटन किया। स्टेशन से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के भाषण का प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से युवाओं के साथ शिक्षा, करियर और खेलों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे सक्रिय और नवोन्मेषी बने, नई तकनीक को अपनाकर कौशल विकसित करें और देश के विकास इंजन के रूप में खुद को फिर से कुशल बनाएं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुविषयक दृष्टिकोण से समग्र सीखने के अनुभव पर जोर दिया। आज हिंदुस्तान में है और 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री है। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे भाई और बहनों। अगले एक वर्ष के आप अंदर देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, और जो एक और सेक्टर बहुत बड़ा खुल रहा है AVGC, एनिमेशन, विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से खेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने को कहा। उन्होंने युवाओं को फिट और स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज पर जोर देते हुए फिट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा कैसे दिया और इसीलिए टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स आए। थॉमस कप भारत जीता पहली बार, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में भी 66 मेडल जीत पाए। ये तब संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया। 2700 करोड़ रुपये के आधारभूत ढांचे के काम चल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और जो केंद्र का बजट था जो लगभग 840 करोड़ रुपया था यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया किया है। तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।